लेकर डीएम अंकित अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं मजबूत करने पर जोर दिया। ऑक्सीजन प्लांट, डायसलिस यूनिट, मैटरनिटी विंग का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की भी जांच की। वहीं डॉक्टर को समय से ड्यूटी करने और मरीजों को ठीक देखभाल करने के निर्देश भी दिए। साथ ही डीएम ने बाहर देशों से यात्रा करके लौटने वाले व्यक्तियों को निगरानी में रखने और कोविड-19 की जांच कराने के निर्देश भी दिए। के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हम लोगों के कोरोना वायरस अगर मान लीजिए आगे कहीं फैलता है तो उसके संबंध में तैयारियों का जायज़ा लेना। तो यहाँ पे हमारे दो ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए, एक जिला चिकित्सालय में और एक महिला चिकित्सालय की तरफ लगा हुआ। दोनों प्लांटों का निरीक्षण किया गया। जो ऑक्सीजन वाले बेड्स बनाए गए हैं उनको देखा गया कि वहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। जो यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है उसको देखा गया। मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो यहाँ पर विभिन्न फैकल्टीज़ जो स्टार्ट की गई हैं, जो OPD चल रही है, उन सब का निरीक्षण किया गया और इसी क्रम में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में अगर कोरोना वायरस दोबारा से आता है तो कैसे हम लोगों को उससे सावधानी बरतनी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की जांच लेते हुए नजर आए डीएम ने मेडिकल स्टाफ को स्वास्थ्य सेवाओं की जांच कर निरीक्षण भी किया और साथ ही डीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। ओमिक्रॉन की दस्तक को लेकर लोगों को सतर्क रहने की बात भी करते हुए नजर आए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।